गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं इजीवे कोचिंग सेंटर। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से माफी मांगना चाहूंगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था कि जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं, तो मैंने जैसे आपका कमेंट या फीडबैक आ रहा था मैंने उसी के ऊपर काम किया है। और आज के बाद या आज से जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो आज की हमारी वीडियो है, वीडियो के ऊपर बात करते हैं। जो आज के क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, पीछे वाले एग्जाम में आए हुए हैं। और इसके अंदर आपको एक तो क्वेश्चनों का पता लगेगा किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और दूसरा आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी, और कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन बहुत मदद करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्रेसर शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का कंप्रेसर दिखाया गया है। ए ऑप्शन है सकरोल कंप्रेसर है, बी रोटरी कंप्रेसर है, सी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, और डी स्क्रू कंप्रेसर है। अब जैसे कि हम डायग्राम देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये क्या लगा है, इंपेलर लगा है। और इंपेलर कौन से कंप्रेसर में होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर है हमारा इंपेलर यूज होता है। तो हमारा ये जो आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। What is the type of compressor? Centrifugal compressor. आगे चलते हैं next question पे। Question number 2 है, at constant pressure, volume varies as the temperature of the gas. This is the statement of. नियत ताप पर जैसे जैसे गैस का तापमान बदलता है आयतन में परिवर्तन आता है, यह खालिस्तान का कथन है। ए ऑप्शन है बॉयल्स ला, बॉयल का नियम है, बी चार्ले ला, चार्ल्स का नियम है, सी जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन का प्रभाव है, या डी डेल्टन का नियम है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसने बात किया कॉन्स्टेंट प्रेशर रहेगा, ठीक है, मतलब इसके आयतन जो इसका प्रेशर है वो एक ही जगह स्थिर रहेगा, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो बदलता रहेगा। तो ये जो क्रिया हो रही है या ये जो कथन है ये किसके अंडर में आता है, चार्ले ला के। तो हमारा जो आंसर बी है, चार्ले ला का नियम इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन रेफ्रिजरेशन, ए ऑप्शन है 45.5 कैलोरी पर मिनट, वैल्यू आप चेक कर लीजिए कैलोरी पर मिनट में दी है, बी ऑप्शन है 55.4 कैलोरी पर मिनट, सी ऑप्शन है 44.5 कैलोरी पर मिनट, और डी ऑप्शन है 66.5 कैलोरी पर मिनट। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के अंदर आएगा। अगर किलोवाट में पूछे 3.5 किलोवाट है, किलो जूल में पूछे तो 210 किलो जूल पर मिनट है, लेकिन यहाँ पे कैलोरी में पूछा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो फिक्स वैल्यू है वो 50 कैलोरी पर मिनट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 50 कैलोरी पर मिनट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इसकी आंसर की है उसमें इसका राइट आंसर बी दिया हुआ है, 55.4 कैलोरी पर मिनट। लेकिन आप याद रखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर, राइट वैल्यू क्या है, 50 कैलोरी पर मिनट, ठीक है, लेकिन आंसर की में 55.4 कैलोरी पर मिनट है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 50 कैलोरी पर मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के एक यूनिट द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस के माध्यम से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ए स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा की, बी सेंसिबल हीट स्वेदी ऊष्मा, सी लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, या डी सुपर हीट सुपर ऊष्मा। अब यहाँ पे इसने डेफिनेशन दी हुई है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस किसी ऊष्मा का क्या बढ़ा रहे हैं, किसी पदार्थ के यूनिट द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस के माध्यम से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये हमारी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट के अंदर ये चीज होती है,
क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, और इसने ये अपोजिट डाला है डेफिनेशन डाल के, तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट उष्मा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज 100% द रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी, यदि वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% है तो वाष्पीकरण की दर खालिस्तान होगी, ए हाई होगी, बी मीडियम, सी लो और डी जीरो। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर मिलेगा। अगर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो हमारा एवेपोरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वाष्पीकरण की दर जीरो होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, कैपिलरी ट्यूब इज ए डिवाइस विच खालिस्तान, कैपिलरी ट्यूब वह डिवाइस है, ए ऑप्शन है रिमूव हीट कैरिड बाय द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट द्वारा वाहित उष्मा को हटाता है, बी ऑप्शन है मेटर्स द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को नापता है, सी ऑप्शन है एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर एक्सिस लिक्विड रेफ्रिजरेंट, आदि के तरल रेफ्रिजरेंट के लिए कुंड के रूप में कार्य करता है, डी है पंप द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। सबसे पहले तो कैपिलरी ट्यूब है क्या, ये एक एक्सपेंशन डिवाइस है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है, रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, जो हमारा रेफ्रिजरेंट को नापता है मतलब क्या है, नापता है उसका फ्लो कर रहा है, वो इसका वर्क हो गया। कैपिलरी ट्यूब इज ए डिवाइस विच मैटर द रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट को नापता है, ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल किसको बोला जाता है, ए ऑप्शन है लिक्विड रिसीवर को, बी थर्मोस्टेट को, सी कंप्रेसर को, डी एवेपोरेटर को। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हार्ट का काम करता है, मेन मुख्य पार्ट कौन है, वो कंप्रेसर है, क्योंकि हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल का कंप्रेसर ही मेन ऐसा पार्ट है जिसको हार्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार कोट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रायर यूज्ड टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज चार्ज्ड विद, तरल रेफ्रिजरेंट से नमी हटाने के लिए प्रयुक्त ड्रायर को खालिस्तान से चार्ज करते हैं, ए ऑप्शन है सिलिका जेल, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी क्ले अब्जॉर्बर, डी एंथिलीन अवशोषक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो ड्रायर होता है उसके अंदर सिलिका जेल होता है ताकि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले, और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि तरल रेफ्रिजरेटर से नमी हटाने के लिए ड्रायर में क्या भरा जाता है, तो सिलिका जेल को उसमें भरा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है सिलिका जेल इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ब्राइन, निम्न में से कौन ब्राइन नहीं है, ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, डी एथिलीन ग्लाइकोल और डी नन ऑफ द अबोव। अब हमारा ब्राइन क्या होता है, ब्राइन एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है जो नमक और पानी के घोल के द्वारा तैयार होता है, तो सोडियम क्लोराइड भी एक ब्राइन है और कैल्शियम क्लोराइड भी एक ब्राइन है, लेकिन जो एथिलीन ग्लाइकोल है ये ब्राइन नहीं है, ग्लाइकोल है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पर ब्राइन नहीं है, तो हमारा जो आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 0.02 mm, इफ इट रीड्स 25.4 mm करेक्ट रीडिंग इज, माइक्रोमीटर का धनात्मक त्रुटि 0.02 mm है या मिलीमीटर है, यदि इसका पठन 25.41 मिलीमीटर हो तो सही पठन खालिस्तान है। सबसे पहले तो अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो इसका आंसर अपने आप ही दे दोगे, ये बोल रहा है कि हमारी जो रीडिंग है वो 25.41 mm है, लेकिन हमारे माइक्रोमीटर को पॉजिटिव एरर 0.02 mm है, अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर से माइनस करेंगे तो हमारी जो परफेक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी, ए ऑप्शन है 25.39 mm
बी ऑप्शन है 25.37 mm, सी ऑप्शन है 25.43 mm और डी ऑप्शन है 25.45 mm। और जब हम इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 25.39 mm। तो हमारा आंसर ए जो है 25.39 mm इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई व्हाट इज शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में क्या दिखाया गया है? सबसे पहले तो डायग्राम देखेंगे हम। ए ऑप्शन है ऑफसेट की है, बी एलएन की है, सी ग्लैंड की है और डी वाल की है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या चीज है? ये एलएन की है, ठीक है। और इसके अंदर कई बार ये भी पूछ लेता है कि एलएन के अंदर एंगल कितने होते हैं। इसके अंदर 6 एंगल होते हैं। ये जो आपको ये एरिया है ये इसके अंदर एंगल होते हैं, 6 एंगल इसके अंदर होते हैं। तो ये जो हमारी दिख रहा है डायग्राम में क्या है? एलएन के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय ए सीरीज ऑफ नंबर कॉल्ड। खालिस्तान, शीट मेटल की मोटाई को सीरीज की संख्या से बताते हैं, इसे क्या कहते हैं? ए स्टैंडर्ड साइज बोलेंगे यानी मानक आकार, बी नंबर साइज मतलब संख्या आकार, सी गेज और डी नॉर्मल साइज सामान्य आकार। तो हम जो थिकनेस देखते हैं शीट मेटल की, तो इसको हम किसके द्वारा देखते हैं? गेज के द्वारा देखते हैं। गेज कौन सा होता है? SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसकी शीट मेटल की मोटाई को देखते हैं, थिकनेस को देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी गेज इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, दी बटर कंपार्टमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज नॉर्मली लोकेटेड। घरेलू रेफ्रिजरेटर का बटर कंपार्टमेंट सामान्यतः खाली स्थान स्थित होता है, मतलब कि हमारे जो घर के अंदर फ्रिज होता है उसमें हम बटर कहाँ पे रखते हैं? ए ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के शीर्ष पर मतलब सबसे ऊपर, एट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट के नीचे, सी ऑप्शन है एट द सेंट्रल हाइट उसके जो बीच की हाइट है उस पर रखेंगे, या डी इन द डोर दरवाजे में रखेंगे। तो हमारा जो बटर है हम इन द डोर के अंदर रखेंगे, दरवाजे के अंदर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, इन द डोर दरवाजे में। आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं इजी वे कोचिंग सेंटर में, और आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको कोई वीडियो में कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको वीक है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, और जल्दी ही आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द ऑपरेटर बिकॉज ऑफ विच। वाष्पक में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है क्योंकि, ए ऑप्शन है हीट गेट्स एडेड उष्मा संकलित होती जाती है, बी हीट इज रिमूव उष्मा हट जाती है, सी प्रेशर इंक्रीज दाब बढ़ता है और डी प्रेशर डिक्रीज दाब घटता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, एवेपोरेशन के अंदर हमारी अगर क्रिया हो रही है तो वहां पे क्या होगा? हीट रिमूव होगी, वहां पे कूलिंग आ जाती है। मतलब एवेपोरेशन के अंदर हीट रिमूव होगी तभी तो कूलिंग आएगी। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हीट इज रिमूव उष्मा हट जाती है, उष्मा हटेगी वहां पे तभी कूलिंग एंटर होगी। तो वाष्प में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है क्योंकि उष्मा हट जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्निप इज ए खालिस्तान। ए मेजरिंग टूल होता है, मापने वाला औजार होता है, बी मार्किंग टूल होता है औजार बनाने वाला, सी कटिंग टूल है काटने वाला औजार, डी स्पोर्टिंग टूल है सहारा देने वाला औजार। देखिए जो अभी ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल से आया है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो हमारा जो स्निप है ना, ये कटिंग टूल है, इससे हम मेजर नहीं कर सकते, मार्किंग नहीं लगा सकते या किसी भी सहारा नहीं दे सकते, स्पोर्ट नहीं कर सकते, ये ओनली कटिंग टूल है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कटिंग टूल।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज खालिस्तान। ए एम एच ओ, मोहो, बी कोलम, सी हर्ट्ज और डी टेस्ला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज के अंदर होती है, और जो हमारी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की हर्ट्ज है वो 50 है। तो ये किसके अंदर होती है? हर्ट्ज के अंदर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन खालिस्तान। घरेलू रेफ्रिजरेटर निम्न पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है वेपर कंप्रेशन साइकिल, वाष्प संपीड़न कंप्रेशन चक्कर पे, बी वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल पे, वाष्प अवशोषक चक्कर पे, सी ऑटो साइकिल पे, ऑटो चक्कर पे और डी है वेपर कंप्रेसर और वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल, वाष्प संपीड़न या वाष्प अवशोषक चक्कर पे। जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है ये हमेशा वर्क करता है वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर। तो हमारा जो आंसर ए है, वेपर कंप्रेशन साइकिल इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज मोर एफिशिएंट, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड कंडेंसर। निम्न में से कौन ज्यादा दक्ष है, अक्षमता ज्यादा है, शीत पानी या शीत वायु कंडेंसर में से। ये ऑप्शन है एयर कूल्ड, बी वाटर कूल्ड, सी बोथ आर इक्वल एफिशिएंट और डी एनी वन कैन बी मोर एफिशिएंट देन दी अदर। मतलब ए शीत वायु है, बी शीत पानी या सी दोनों समान रूप से दक्ष समान है, या डी कोई भी दूसरे से ज्यादा दक्ष हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो एयर कूल्ड कंडेंसर हमारा यूज होता है ये छोटे प्लांट में या छोटे कैपेसिटी वाले सिस्टम में यूज होते हैं। वाटर कूल्ड कंडेंसर हमारा बड़े प्लांट में अंदर यूज होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसकी अक्षमता ज्यादा होती है एयर कूल्ड की अपेक्षा। तो इस कारण से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी वाटर कूल्ड है, क्योंकि इसकी दक्षता ज्यादा होती है एयर कूल्ड कंडेंसर से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, वाटर कूल्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिस इज नॉट ए डिजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। निम्न में से कौन इंसुलेटिंग मटेरियल का वांछनीय गुण नहीं है? ये ऑप्शन है रेजिस्टेंस टू वाटर, पानी के प्रति प्रतिरोध, बी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च तापीय चालकता, सी नॉन फ्लेमेबल अदहनीय एंड डी लाइट इन वेट, भार में हल्का। जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसमें से क्या नहीं होना चाहिए? उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो होनी चाहिए, उच्च तापीय चालकता ये लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसका वांछनीय गुण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन ऑफ द कंप्लेंट अगेंस्ट यूज ऑफ विंडो एयर कंडीशनर इज दैट इट इज। विंडो एयर कंडीशनर के बारे में एक शिकायत यह है कि यह खालिस्तान है। ए एक्सपेंसिव महंगा है, बी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इसको लगाने में प्रति पाश्चित करने में कठिनाई होती है, सी डिफिकल्ट टू मेंटेन अनुरक्षण में कठिनाई होती है, या डी नॉइसी शोर करता है। तो हमारा जो विंडो एयर कंडीशनर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉइस बहुत होता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है कंप्रेसर बंद होता है तो ये शोर बहुत करता है। तो इसके अंदर यही एक शिकायत रहती है, विंडो एयर कंडीशनर के बारे में एक शिकायत है कि यह शोर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट एट। रेफ्रिजरेशन चक्कर में रेफ्रिजरेंट द्वारा खालिस्तान में ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। ए कंडेंसर के द्वारा, बी ऑपरेटर वाष्प के द्वारा, सी कंप्रेसर कंप्रेसर के द्वारा और डी एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा। हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है हीट को रिजेक्ट कौन करता है? कंडेंसर करता है, ठीक है। इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्ट बाय रेफ्रिजरेंट एट कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर के अंदर क्या है, कूलिंग मीडियम है एयर एंड वाटर, वो क्या करते हैं हीट को रिमूव करते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है CRO gives, CRO खालिस्तान देता है। ए एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, बी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सी अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन और डी इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ए ऑप्शन मतलब वास्तविक का निरूप देगा, बी दृश्य निरूपण, सी संत्रिकट निरूपण और डी वास्तविक निरूपण। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो CRO gives है ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपने अगर देखा हो तो हमारे जो टीवी होते हैं घरों के अंदर उसके अंदर होता है, और इसका राइट आंसर भी यही है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे RAC ट्रेड के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, ये सब ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हर एक ट्रेड के आएंगे ही आएंगे, तो आपको RAC के साथ साथ अदर ट्रेड की बेसिक की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर नॉर्मली मेड ऑफ, खालिस्तान सामान्यतः इंटीग्रेटेड सर्किट खालिस्तान का बना होता है। ए सिलिकॉन का, बी जर्मेनियम का, सी कॉपर का और डी एल्यूमिनियम का। तो हमारा जो आईसी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, आर नॉर्मली मेड ऑफ, ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन हमारे RAC में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सिलिकॉन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, दी एक्टिव कंपोनेंट इन एन ICR, आईसी में सक्रिय घटक खालिस्तान होता है। ए रजिस्टर प्रतिरोधक होगा, बी कैपेसिटर कैपेसिटर होगा, सी ट्रांजिस्टर एंड डायोड ट्रांजिस्टर और डायोड होगा और डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो ट्रांजिस्टर और डायोड हैं वो इसके अंदर सक्रिय घटक होते हैं आईसी के अंदर, क्योंकि आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर और डायोड क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, दी एक्टिव कंपोनेंट इन एन आईसी आर ट्रांजिस्टर एंड डायोड, आईसी में सक्रिय घटक ट्रांजिस्टर और डायोड होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय, खालिस्तान पानी की अस्थायी कठोरता को खालिस्तान द्वारा दूर करते हैं। ए फिल्टरिंग फिल्टर करेंगे, बी बॉइलिंग उबाल के करेंगे, सी केमिकल ट्रीटमेंट रासायनिक उपचार करके और डी नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस है, हम को अगर पानी में से हार्डनेस को कम करना तो हम उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग करके उसको उबाल के अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर करते हैं या किया जाता है, तो आंसर बी बॉइलिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर मेनली यूज्ड इन खालिस्तान, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर मुख्यतः खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है स्टील प्लांट में, बी पावर स्टेशन में, सी फर्टिलाइजर प्लांट्स में और डी एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वो पावर स्टेशन में यूज होता है, यानी विद्युत स्टेशन के अंदर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज यूज्ड इन प्री ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़े पदार्थों को हटाने के लिए पानी के पूर्व ट्रीटमेंट में क्या प्रयोग किया जाता है। ए बैक्टीरिया जीवाणु, बी ऑयल एंड ग्रीस, तेल और ग्रीस, सी एयर वायु और डी स्क्रीन। तो इनमें से बड़े पदार्थों को हटाने के लिए पानी के पूर्व ट्रीटमेंट में क्या प्रयोग किया जाता है, तो आंसर डी स्क्रीन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, इन दी ऑपरेटर दी रेफ्रिजरेंट एंटर एड्स खालिस्तान, वाष्प में रेफ्रिजरेंट खालिस्तान में प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है वेरी लो प्रेशर बहुत निम्न दाब के साथ, बी लो प्रेशर निम्न दाब के साथ, सी मीडियम प्रेशर और डी हाई प्रेशर उच्च दाब के साथ। तो हमारा जो ऑपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा
तो क्या होगा, वेरी लो प्रेशर होगा। हमारे सिस्टम के अंदर दो प्रेशर रहते हैं, एक हाई साइड एक लो साइड। तो जब हमारा एवपोरेटर से, हमारा एक्सपेंशन वाल के बाद जब रेजिडेंट वहां से निकल के एवपोरेटर में रेजिडेंट एंटर करेगा तो क्या होगा, वेरी लो प्रेशर होगा। तो आप देख रहे थे क्वेश्चन बैंक जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आज आपको अच्छी लगी होगी, और जो आपका प्रॉब्लम थी इंग्लिश और हिंदी की वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें कि आपको अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जरूर लिखें। और आप देख रहे थे इजीवे कोचिंग सेंटर रोहित दीमान के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।